तैयार और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। भैया, एक तो ये कोरोना महामारी और दूसरी ये महंगाई डाइन, दोनों ने जीना दुश्वार कर दिया है। अभी हम मौजूद है गाजीपुर सब्जी मंडी के बाहर। अब हम चलेंगे अंदर और जानेंगे लोगों से कि टमाटर कितने लाल है और प्याज किसको कितना रुला रही है। आइए चलते हैं। भैया, कोरोना ने तो वैसे ही बेहाल कर रखा है, महंगाई का क्या हाल है आजकल? बहुत महंगाई हो गई है, उसके बंदी की वजह से। बंदी की वजह से महंगाई हो गई है, सारे सब्जी के दाम बढ़ गए। सारे सब्जी का दाम बढ़ गया। कौन कौन सी अदरक, कौन से क्या भाव है अदरक? अदरक सर 30 रुपए किलो है। पहले तो सस्ती थी, पहले 20 रुपए किलो थी। 20 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए? 30 रुपए किलो। और क्या रखा है सब्जी में आपने? लौकी, लौकी कौन से हिसाब से? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, दाम एक ही है? दाम एक ही है। भैया, सब्जी लेने आए हैं? नहीं नहीं, बेच रहा हूँ ये। साथ में, साथ में ही है आप लोग? भैया, ये गोभी कैसे है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। पहले कितनी की थी? पहले था 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो, अब सस्ता हो गया है। अब ये सस्ता हो गया है, तो मतलब सब्जी खानी हो तो खाली यही ले? नहीं, और सामान खाना, इसमें क्या बात है? और क्या क्या सस्ता हुआ है? अभी बहुत सामान सस्ता हो गया, अभी तो महंगा चल रहा है सहायक वजह से। सामान सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? अभी महंगा हो रखा है। महंगा हो रखा है, कितनी आमदनी हो जाती है? 200-300 रुपए होता है वो, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा ज्यादा 200-300 रुपए खुले में देते हैं कि फिर नंबर के हिसाब से? नंबर के हिसाब से नहीं होता, खुले में देता हूँ। ये वही गाजीपुर सब्जी मंडी है जहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन कोरोना और महंगाई के चलते पूरी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैडम, कोरोना तो परेशान थे कोरोना से, महंगाई इतनी हो गई है, सब्जी वब्जी लेने आई थी यहाँ पे आप? हाँ मैम। का महंगाई का असर कितना पड़ रहा है रसोई पर? मैम बहुत असर पड़ रहा है, 50 रुपए किलो आलू खरीदने पड़ रहे हैं हमारे को तो वहाँ पे। रोज खरीदने आती हैं या फिर कभी कभार आती हैं? नहीं, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं आप जी? मैम आप साथ में? साथ ही हूं। आपने खरीदी सब्जी अभी तो? नहीं, अभी अभी खरीद, अभी आए हैं। अभी खाली दाम पूछ रहे हैं। टमाटर की रेट क्या है? टमाटर 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो, सस्ता हो गया? कब हुआ ये? दिवाली के बाद ही होगा। बीच में तो महंगा हो गया था। हाँ, दिवाली के 2-3 दिन महंगा हुआ था, माल नहीं आ रहा था इस वजह से। रीजन है कि इतना अचानक से सब्जी बढ़ती जा रही है, महंगी होती जा रही है? अब तो सस्ता हो रहा है सब कुछ। आलू, आलू आलू महंगा हो रहा है फिलहाल। आलू कितने में है? 200 रुपए दर्जी है, 40 रुपए किलो। खुले में 40 में मिलेगा, पहले तो बहुत ही सस्ता था 10 रुपए किलो। तो अब महंगा चल रहा है 2-3 महीने से, आलू नया आलू आ रहा है, अब डाउन हो जाएगा। नंबर के हिसाब से सस्ता मिलेगा? नया आलू आ रहा है, 10-15 दिन बाद सस्ता हो जाएगा। 15 दिन लगेंगे सस्ता होने में। भैया, कितनी बिक्री हो जाती है यहाँ पे? 10 कट्टे। सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 3 बजे। सुबह 3 बजे से लग जाती है मंडी? हाँ। कितने ग्राहक आए होंगे, नंबर में देते हैं आप? कितने ग्राहक, अब यहाँ कोई गिनती थोड़ी नहीं मार रहे। फिर भी आते होंगे ना, कितने आ गए होंगे सुबह से अभी तक? अब पता नहीं कितने आ गए, कोई गारंटी है, कोई अभी आ जाए, 50-100 जितने मर्जी आ जाए, कोई पता नहीं। कोरोना भी चल रहा है, कुछ रख रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, भीड़ तो इतनी आ रही है? हमारा खूब ध्यान है। हाँ, सैनिटाइजर अंदर है दुकान में। सैनिटाइजर दिखाओ, इलाके लाकर दिखाओ भैया। ग्लव्स है जी, सब कुछ। पैसे क्या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि नगद लेते हैं? नगद भी है, ऑनलाइन भी है। महंगाई वापस से इतनी बढ़ गई है, क्या लगता है और बढ़ेगी? अब कुछ कह नहीं सकते जी, महंगाई के मामले में अगर फिर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर घट भी सकती है, अगर नहीं होगा तो फिर बढ़ भी सकती है। आपको क्या लगता है, इतने कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो क्या महंगाई और इस पे असर पड़ रहा है? जी असर तो पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक बाहर ही नहीं निकल रही, बहुत सी डर के हमारे। तो लॉकडाउन लगना चाहिए जी, अगर इस तरीके से अगर केस आते रहेंगे तो फिर लगना चाहिए। मोदी जी जल्दी बोल के गए हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इतने पास में खड़े हैं आप, एक ना चल रहा है मैडम जी। देखो पहले आप, अभी तक नहीं थी, देखो अब हो गई ना 1 मीटर की, अब हो गई, फिर कहेंगे कोरोना बढ़ गया। कोरोना तो बढ़ ही रहा है, रुक कौन सा रहा है यहाँ।
सावधानी सावधानी तो बरतेंगे ना। अरे मैडम जी सावधानी बरत रहे, ये मंडी है, ये दूरी नहीं होगी। देखो जरा इधर देखो, आप इधर घुमाओ कैमरा अपना, जरा अपना कैमरा घुमाओ उधर देखो, एक मीटर की दूरी हो जाएगी मंडी में, नहीं हो पाएगी। आप कितनी अभी तो भीड़ नहीं है, अभी तो आप अपने हिसाब से तो रख। मैडम जी मैं बहुत दूर है, एक मीटर की दूरी है। घर में हम जब रहते हैं साथ में खाना खाते हैं। ये लो मांस, ये लो। और बताओ सब्जी लेने आते हैं? नहीं हमारी दुकान है यहाँ पे। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मस्त। जैसे भी महंगाई तो बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई पहले भी बढ़ रही थी, अब भी बढ़ रही है। क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? भाई देखो लॉकडाउन से कोई फायदा तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोरोना तो थोड़ा कम होगा ना। कैमरा मोड़ो आप पीछे देखो, कोरोना बढ़ रहा है तो लॉकडाउन लगने से कुछ राहत नहीं मिलेगी? ये राहत तो मिलेगी लेकिन फिर दोबारा परेशान हो जाएंगे लोग। सुधर नहीं रहे लोग, बाज नहीं आ रहे अपने। कोई भी नहीं सुधरेगा। कितना आमदनी हो जाती है एक दिन में आपकी? आमदनी है हमारी 1000 रुपए पर डे की। 1000 रुपए पर डे की? चाचा इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे निपटारा हो रहा है घर में? परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है? सुबह से ठेला लगा रखा है, कितने बजे से? सुबह से रात को 9:30 बजे। 9:30 बजे तक लगाएंगे? कहाँ पे लगाएंगे? राजवीर कॉलोनी में। कितनी आमदनी हुई अभी तक? बोनी हुई? बोनी बट्टा हुआ कोई? बोनी नहीं हुआ। क्या पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि कभी कभी बोनी ही नहीं होती? नहीं पूरा दिन नहीं निकलता। कितने लोग हैं परिवार में? 5। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस परेशानी में कर रहे हैं। क्या लगता है कि कोरोना के चलते इतनी महंगाई की मार पड़ी हुई है, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं चाचा? नहीं लगना चाहिए। मुंह खुला हुआ है फिर कहेंगे कोरोना हो गया ना? तो ये चादर ना है। हाँ जी चादर है। चादर तो है, मुंह तो खुला है चाचा। हाँ तो मुंह ढक लेते हैं कोई। आप मुंह ढक लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे कोरोना बढ़ गया। नहीं हमें नहीं होगा। आपको नहीं होगा? वैक्सीन पी गए हैं या खा गए? पूरे लॉकडाउन में यहीं रहे हम। और ऐसे ही आप टेस्ट वेस्ट कराया? आपने टेस्ट कराया? बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों ने सब ने टेस्ट कराया। रिपोर्ट क्या आई? निगेटिव आई। हाँ तो इसीलिए अब डर नहीं है कि भैया कोरोना नहीं होगा आपको? नहीं। कोई दवा वा पीते हैं क्या? आ गई है क्या? नहीं दवा नहीं खा सकता। जब तक नहीं आ रही तब तक ढिलाई ना करिए चाचा, बंद करिए। ठीक है भैया, यहाँ पे इतनी गंदगी भी है, क्या कोई साफ सफाई नहीं करते हैं? होती है। कब होती है? अभी तो करके गए। ये साफ सफाई हुई है तब इतना साफ है? अभी आने थोड़ी बात आते हैं, थोड़ी बात आएंगे साफ साफ करने वाले आएंगे। अभी ड्यूटी पे आए नहीं है वो। अलग से ड्यूटी लगती है ना? ना हाँ अलग से लगा रहे हैं। काम के टाइम आएंगे 12-1 बजे के बाद। ये देखिए गंदगी देखिए, यहाँ सफाई कर्मी आते हैं, सरकार के पैसों को चूना लगाते हैं और सफाई के नाम पे देखिए आप, संविदा पे कर्मचारी रखे जाते हैं, परमानेंट कर्मचारी रखे जाते हैं, उसके बाद ये सफाई है। गंदगी कौन? गंदगी तो यही मंडी का लोग ही करते हैं। मंडी के लोग करते हैं? कौन आता है सफाई करने के लिए? सफाई करने के लिए 10 रुपए देते हैं, वो आते हैं सफाई करने के लिए। अच्छे अपने अपने आते हैं सफाई करने वाले? हाँ अपने अपने आते हैं, 10 रुपए वो देता है, 10 रुपए वो देता है। आप जहाँ पे अपनी सब्जी का वो लगाया स्टॉक वहीं का साफ कर दिया बस, बाकी पूरी मंडी गंदी? पूरी मंडी मालूम नहीं कौन साफ करता नहीं करता। कूड़ा वगैरह कहाँ जाता है यहाँ से? कूड़ा वगैरह वहाँ जाता है। अभी आए हैं सुबह से कोई साफ करने वाले नहीं? कोई नहीं आया अभी तो। कोई नहीं आया है? सुबह से शाम हो जाती है कोई आता है? मालूम नहीं कोई नहीं आता, ऐसे ही रहता है डेली इतना ही पेशाब है। इतनी सारी गाय टहल रही है यहाँ पे। हाँ इतनी सारी गाय है, गंदगी है। आपने इसकी कंप्लेन की? इतनी सारी गाय? हाँ तो है यहाँ पे। ये गाय छोड़ देते हैं गांव वाले, वो गाय अंदर आ जाती है, सब्जी वब्जी खा जाती है, हमारा माल होता है लेके जाते हैं बाजार को तो रख देते हैं, वहीं मार देती है, वो खा जाती है। किससे शिकायत की आपने? हैं शिकायत किससे? किससे कर रहे सर बताइए आप? कोई है नहीं, कोई सुनता नहीं है कि इतनी सारी गाय इतनी गंदगी है, इसमें बीच में बैठ रहे कोरोना, अगर आप लोग को नहीं होगा तो किसको होगा? हम तो बाहर के ले आने वाले हैं, बाजार के सब्जी को ले आने वाले, कॉलोनी के ले जाते हैं 5-5 किलो, अब कहीं रख दिया हमने सब्जी, वहीं गाय बार में पड़ा, नुकसान हमारा हो गया। अभी आप देखिए यहाँ मंडी वाले जो जैसा जो मंडी साफ करने वाले हैं, अगर उनको बोलो तो उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, वो सुनते ही नहीं है, किसी की बात मानने का राजी नहीं होते। पैसे ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। पैसे ले लेते हैं लेकिन टाइम टेबल से कुछ यहाँ कोई काम होने होता है, कोई भी काम नहीं होता है। भैया थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। देखो कूड़ा कचरा पड़ा है मंडी का, ये अभी कोई सफाई कर्मचारी कोई आए नहीं है, लेकिन 10 रुपए डेली के लेके जाते हैं। 10 रुपए डेली के लेके जाते हैं? हाँ।
नियम फिक्स है कि 10 रुपए लेके जाएंगे, लेकिन सब जब इसको साफ करता है 10 रुपए लेके जाते हैं कबाड़ी वाला। अभी कोई आया नहीं। यहाँ का जो नियम है वो डेली का फिक्स है, 10 रुपए हठिया वालों से लेते, लेकिन साफ सफाई कुछ भी नहीं होता है। आप लोग कहते नहीं है कि भैया पैसा भी ले लेते हो, काम भी नहीं करते? मैडम हम किसे कहें, जब कोई हमारे जो सुनने के लिए राजी होता है, जो सफाई करने आते हैं, जिनको आप पैसा पकड़ाते हैं भैया, उनसे कहिए ना। वो ये बोलते हैं कि हाँ अभी सफा करेंगे तभी सफा करेंगे, बाद में यहाँ फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे गाय सारा दिन ऐसे खाती रहती है, यहाँ लाइटिंग करती रहती है, गंदगी ऐसे फैलता रहता है। क्योंकि कोरोना शायद इसीलिए खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी खत्म नहीं होगी, बीमारी खत्म होने वाला नहीं है। जो भी सरकार अगर जैसे जो भी कर रहा है वो पब्लिक के सहायता के लिए कर रहा है, लेकिन पब्लिक सरकार की बात समझ नहीं रही है। पब्लिक की बात सरकार नहीं समझ रही है भाई, सरकार की बात जो है जनता को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता को सरकार ये चाहते है कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन वो सुरक्षित खुद नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, खुद ध्यान नहीं रख रहे हैं गंदगी पे। का जब तक यहाँ का गंदगी नहीं खत्म होगा तब तक बीमारी खत्म होने वाला कोई जुगाड़ कोई संभावना नहीं है। ऐसा क्या लगता है कि लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए? लगना चाहिए दोबारा से लगना चाहिए। जनता समझ नहीं रही है ना? नहीं समझ रही। समझ जाएगी। खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा सब चलेगा जब बीमारी खत्म रहेगी। नहीं बीमारी खत्म हो जाएगी, अभी तो वैक्सीन नहीं आई है भैया। थोड़ा सा दूरी बनाइए यहाँ से, दूरी बनाइए। महंगाई हो गई है, कैसे मेंटेन कर रहे हैं घर का खर्चा? खर्चा ये चल रहा है मैडम, इसी ले देंगे चल रहा बस, यही सब्जी बेच के काम चल रहा है। क्या करें, पहले ज्यादा अच्छा था कि आप? पहले ज्यादा अच्छा था, अब तो महंगाई बढ़ गई है तो आमदनी ज्यादा होती होगी। नहीं नहीं आमदनी कहाँ है, अब तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे मांगते लाओ पापा कहाँ से लाए, कोई देता नहीं है। 2 रुपया का तो आमदनी है ही नहीं, क्या करेगा बंदा? 2 रुपए का आमदनी भी नहीं है, कहाँ कमाए, कमाए क्या है, सब तो सर रहा है। हम दुकान यहाँ नहीं लगा रखा, हम तो खरीद रहे हैं। हमारी दुकान यही है, 10 रुपए डेली भी देता हूँ, फिर भी ये देख लो मूली साफ नहीं होता, इधर का कचरा साफ नहीं करता। अच्छा कैसे घर का खर्चा चल रहा है, 2 रुपए आमदनी नहीं है, घर में बीवी बच्चे होंगे, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है, हमारा बारदाना का काम है, मिल नहीं रहा माल, क्या करें? माल ही नहीं मिल रहा, खरीद भी नहीं रहा, तुम बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। क्या लगता है आपको, कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए? बहुत बेकार हो गया लॉकडाउन, तो लग तो गया ही, लेकिन कमाई नहीं है। कमाई नहीं है, आप यही के हैं कि कहीं बाहर के? नहीं यही के हूँ। यही के हैं? पपीता के कौन से रेट क्या है इसका? पपीता 30 रुपए किलो। मास्क थोड़ा ऊपर कर लीजिए, कोरोना चल रहा है। वो तो चल ही रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। वहाँ तक करें से तो परेशान हो रहे हैं, डर लग रहा है, सांस भी नहीं लिया जा रहा है इससे, तो सांस नहीं लिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना, जब तक दवाई नहीं है। जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले कहा थे कुछ नहीं होगा, सावधानी लेकिन नहीं बरतेंगे? नहीं नहीं सावधानी तो है, क्यों नहीं है, पूरी है। सैनिटाइजर वगैरह रखा है आपने? बिल्कुल। दिखाइए जरा, दिखा दीजिए। क्या अभी खत्म हुआ? वो खत्म हो गया है, सीसी खत्म हो गई हो, सीसी खत्म हो गई है। पपीता है, कितने में है? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो भैया, पपीता 30 रुपए किलो है, आलू भी 30 से 40 रुपए किलो है, तो सब्जी से अच्छा फल खाइए, स्वस्थ रहेंगे। दीदी क्या बेच रही हैं? गुट का पन्नी। पन्नी बेच रही हैं? हाँ। सब्जी लेने वाले आते हैं वो यहीं से पन्नी लेते हैं? हाँ कोई कोई ले जाता था। कोई ले जाता है? कितना बिक जाती है? खर्चा निकल जाता है। खर्चा निकल जाता है पन्नी बेच के? सुबह से कितनी आमदनी हुई होगी? होगी 1500 की। 500 की? 500 में घर का खर्चा चल जाता है? पूरे दिन में होती है? पूरे दिन में कितनी हो जाती है? पूरे दिन नहीं बैठती हूँ। पूरे दिन नहीं बैठती है? कितनी देर तक बैठती है? 1 बजे तक। 1 बजे तक बॉर्डर पे गया था। हाँ जी, वहाँ पे कमेटी वालों ने 117 दुकानदारों की रेडी पटरी का सामान उठा लिया, उसकी वीडियो बना के लाओ टीवी में दिखाओ। अच्छा ठीक है, अभी आप दे दीजिएगा, अभी चल जाएगी। 117 आदमियों का सामान उठा के ले गए कमेटी वाले, और वो बेचारे रो रहे, वो करे हम अगले दिन रोटी कहाँ से खाएंगे। मैं 65 साल का हूँ, 4 जगह नौकरी करता हूँ, मेरी बीवी कहती तुम सही ना हो, मैंने बीवी को भी छोड़ दिया, बच्चे कहते तुम सही ना हो, मैंने बच्चों को भी छोड़ दिया, अकेला रहता हूँ, आती है वही खरीद लेता हूँ। जो चीज पसंद आ रही है, महंगाई का हाल, महंगाई का हाल, बहुत महंगाई हो गई है। मेरे को रोटी खाने के लिए पैसे, 40 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई, फिर भी जिंदा हूँ, 6 किलो वजन बढ़ गया मेरा। ना रोटी नहीं खा रहे, महंगाई इतनी बढ़ गई फिर भी वजन बढ़ गया? 40 दिन से रोटी नहीं खाई बाबा, कैसे कर लेते हैं? अरे देखो तो सही, 65 साल का लगता हूँ,
अरे दुनिया में कोई मेरे जैसा दिखा दे, एकदम चित लगता हूँ। खर्चा कैसे मेंटेन कर लेते हैं, कमाई का जरिया? चार जगह नौकरी करता हूँ, बैंक में ऑडिट करता हूँ, जो लोन लेते हैं उसके पेपर बनाता हूँ, केनरा बैंक में पैनल एडवोकेट हूँ। अकेले रह रहे हैं? अकेले रहता हूँ। जो चीज पसंद आती है, कल मैं टीवी लाया हूँ 43 इंची का, 10,000 रुपए का, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दिखाऊँ आपको? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, समझ गए। वो कल की वीडियो दिखाओ, कापा सेड़ा बॉर्डर की। गाय इतनी बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? खर्चे मेंटेन कहाँ हो रहा है महंगाई में? आपको क्या लगता है, कोरोना फिर से इतना बढ़ गया है तो क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए ना। लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसे सब खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? फिर कहेंगे कोरोना आ गया, भैया अब क्या होगा? लॉकडाउन अगर लग जाएगा तो पब्लिक भूखन मर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। ऐसे रहेगा तो पब्लिक कोरोना से मर जाएगी, हमारी आएगी, उसमें क्या रखा है? पब्लिक लॉकडाउन लगेगा तो भूखे रह के मरेगी, अरे ऐसे रहेगी तो वैसे ही मरेगी, बीमारी से मरेगी। महंगाई इतनी है, बढ़ गई है, खर्चा कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बस कर ही रहे हैं, ऐसे भी है, मेहनत कर रहे हैं, खर्चा मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जी लेने आए थे? हाँ जी, सब्जी बेचते हैं हम, लेने बेचते आए। कितना प्रॉफिट हो जाता है? कुछ नहीं होता। रात कोरोना से पहले और कोरोना के बाद? कोरोना से पहले फिर भी तो रोटी खा लेते, अब तो रोटी खाने भारी पड़ रहा है, खाना भारी पड़ रहा है। कल ये हाल है, कल मैंने फोटो खिंचवाई तो वो पैसे सर से पूछे, सर बताएंगे तुम्हें। कौन सी आप कह रहे हो कमाई नहीं है? हाँ, कमाई बहुत है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। सब्जी लेने तो नहीं आए हम, फिलहाल में घूमने चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं। सुबह से कितनी सवारी आई होंगी सब्जी लेने के लिए, आप जिनको लेके गए होंगे? मैं निचक्कर मारता हूँ, सब्जी का माल लेके जाता हूँ मैं, ये 200 रुपये 250 रुपये। दूसरी मंडी में सप्लाई करते हैं? नहीं नहीं, मंडी में सप्लाई नहीं करता मैं, जहाँ का माल होता है, जैसे काले खां हो गया, सीलमपुर हो गया, इस जगह माल छोड़ के आता है यहाँ पर लोग, वहाँ से लेने आते हैं। लोगों को डर नहीं लग रहा है? लोगों का कहना है कि अगर कोरोना के डर से घर में रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे, और अगर कोरोना के डर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका जीवन बसर कैसे होगा? भैया ये सब्जी कहाँ लेके जा रहे हैं? खोड़ा। खोड़ा लेके जा रहे हैं? यहाँ से आप ही लेके जा रहे हैं या कोई और है? मैं ही लेके जा रहा हूँ। आप ही की है सारी सब्जी? यहाँ पे जिस दाम में खरीदी उससे डबल दाम में बेचेंगे? डबल बिकती कहाँ है? नहीं बिकती है, यहाँ से तो थोक में लेके जा रहे हैं। कितने में ले आए साग? ये साग वाले रखे कितने में लिए आपने? 10 रुपए किलो लिया। अब बेचेंगे कितने में? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। 15-20 में, बाकी 10 में खरीद रहे हैं, 20 में बेच रहे हैं, कैसे चलेगा भैया? किराया भाड़ा। हेलो, किराया भाड़ा है, किराया भाड़ा है, पन नहीं है, लाइट का खर्चा, दुनिया भर खर्चा है। सारे खर्चे इसी से मेंटेन करेंगे, सब्जी का दाम बढ़ा के? इसी से होता है मैडम। भैया कहते कहते थक गई, थोड़ा डिस्टेंस बराबर कर लीजिए, कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी। भैया सेब कैसे दे रहे हैं, थोक में देते हैं या किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से भी, थोक में भी, दोनों दोनों देते हैं। कितना मुनाफा कमाते हैं? मैं थोड़ा अपना खर्चा पानी चल जाता है। कितना फिर भी? कितना? 100-200-500। 100 रुपए किलो सेब अभी आप दे रहे हैं यहाँ पे, खरीद कितने? ये 80-90 रुपए पड़ता है हमारा, 80-90 रुपए किलो पड़ता है हमें। 80-90 पड़ता है, 100 में बेचते हैं, फिर लोग जनता बोलती है कि भैया महंगाई बढ़ गई। जी हाँ, 10-5 रुपए बचता है इसमें, बस अपना खर्चा इसी से मेंटेन करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? मैं अभी परिवार में मेरे माँ बाप भाई बहन सब है, कम से कम आता है पूरा। क्या लगता है कोरोना के टाइम में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, अब नहीं लगाना चाहिए, पब्लिक काफी ज्यादा परेशान है। भैया अनार कैसे थी? आप यहीं के हैं सर, आपको क्या लग रहा है, सब्जी ज्यादा सस्ती है या फल? दोनों ही ठीक है, अब तो ठीक है दोनों चीजें। अब ठीक है? प्याज आलू को छोड़ के बाकी ठीक है। प्याज आलू को छोड़ के बाकी सब ठीक, ठीक है। क्या आप थालियों में घर पे सलाद में प्याज और टमाटर गायब हो गए? नहीं, टमाटर तो ठीक ही आ गया, अभी रेट ठीक है टमाटर का, प्याज नहीं मिलता। प्याज कब खाऊंगा? बिना प्याज की सब्जी खाने लगे? नहीं, खानी तो पड़ेगी सब्जी। जब कैसे मेंटेन करते हैं सर, खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं? अब मेंटेन करना पड़ता है, जैसे मैं ऊपर ही चलता रहता है सब्जी का है, लेकिन काफी टाइम से प्याज महंगा है। ये तो है, प्याज महंगा हो गया है, रुला रही है, टाइम से महंगा है, रुला रही है प्याज। नहीं, इतना तो रुला रही, लास्ट टाइम भी सेम हुआ था, वही साल भी हो रहा है, अब तो माइंडसेट वैसे हो गया है। देखिए बात होती है स्वच्छता अभियान की, देखिए आप सड़क पे किस तरह से गंदगी फैलाई हुई है, उधर भी दिखाइए, मैं आपसे बोलूंगी उधर दिखाइए, इतनी सारी गाय है सड़क पे टहल रही है। स्वच्छता अभियान मिशन की दुआई दी जाती है कि बड़े ही अच्छे से काम हो रहा है, आपको साथ में ये भी दिखाएंगे हम कितनी सफाई से यहाँ काम हो रहा है, कितनी गंदगी पड़ी है देखिए आप। ऐसे में कोरोना जैसी
कई बीमारियां आएंगी लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है जब तक आप साफ सफाई भी नहीं रख सकते। भिंडी क्या हिसाब है? भिंडी 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो है। गाजर 25 रुपए किलो है। भिंडी जैसे यहाँ पे तो दाम आप बता रहे हैं लेकिन जो बाहर लेके जाते हैं ठेली वाले, हम दे रहे हैं 30 रुपए किलो, हमसे कोई ले ले। मतलब कैमरा देख के तो नहीं बोल रहे 30 रुपए? नहीं नहीं, चेहरा देख के ना, इतना ढले कोई भी तो ला, मैं तो ला 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो देंगे? पक्का? पक्का, आप ले लो 1 किलो 2 किलो जितनी चाहिए बोलो। अभी महंगाई जो बढ़ रही है, बीच बीच में सब्जियों के दाम ऐसे क्यों बढ़ जा रहे हैं अचानक? सब्जी ऐसा ज्यादा आती है तो कम हो जाता है, दाम ज्यादा आती है कम आती है तो ज्यादा हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले स्टोर करके रख लिया, जब महंगाई बढ़ेगी तब भैया निकालेंगे अपना माल? नहीं, नहीं, हर सब्जी स्टोर करके थोड़ी जाएगी, आती है जो स्टोर में रख दी जाएगी सड़ जाएगी। स्टोर में तो आलू रख दो, आलू रख जाएगा, अदरक सदरक रख जाएगा। आलू प्याज नहीं रखते हैं? आलू रख जाएगा स्टोर में। रखा है आपने? नहीं, हम कहा रखेंगे, हम पे इतने पैसे कहाँ जो स्टोर में रखे हैं। कोरोना चल रहा है, डर लग रहा है? नहीं बहन जी, हम पे इतने पैसे कहाँ, पैसे वाले कहाँ हमें स्टोर में रख रहे हैं। ये तो कोरोना चल रहा है, डर लग रहा है? हाँ जी, डर भी लग रहा है कोरोना से। सैनिटाइजर वगैरह कुछ रखे हुए? इतनी सारी देखिए, थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए भैया। अभी कोई दवाई नहीं आई है कि उपाय हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक हो जाओगे। केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डरिए, सतर्क रहिए। पेट पालना हमें तो, घर का खर्चा कैसे चला लेते? कितनी आमदनी हो गई होगी? आमदनी चाहिए 400 ले जाए, 500 ले जाए, 600 कमा के ले जाए, घर में इतना खा लेते हैं बाल बच्चों के साथ। इतने में हो जाता है? इतने में क्या करें, बच्चे भी है, पढ़ाई वढ़ाई का भी होता है, कैसे पढ़ाते? सब ऐसे ही करते हैं, पढ़ाते हैं मध्य वाले स्कूल में। मध्य वाले स्कूल में पढ़ाते हैं? तो सरकारी व्यवस्था तो अच्छी हो गई है। सरकारी व्यवस्था में भी भैया लेते नहीं है कि पूरे प्रूफ लेगा, प्रूफ कहाँ कहाँ से इकट्ठे करें? बहुत सारे प्रूफ मांगते हैं। नहीं ऐसे ही है, फिर भागा थोड़ी ना, अपने जो 100-200-500 कमा के नहीं गुजर चलाते हैं अपने घर की। जा भैया, कहाँ बात है, कैसे भीड़ लगा रहे हो? 400-500-600 जो भी पैदा करके ले आओ, अपना घर चल जाता है। जैसे बाहर से कोई आता है सब्जी लेता है तो उसे आप कैश पैसे लेते होंगे? आप वो 1 किलो ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं? भाई हम मोबाइल चलाना ऑनलाइन जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं? बाकी सब बोलते हैं डिजिटल हो रहा है इंडिया, आपको लग रहा है डिजिटल हो रहा है इंडिया? जानते नहीं, आपका घर है डिजिटल बट्टो, आप इंडिया हम जानते नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? आदमी जाता है सुबह शाम करता है, फिर आके खाना चलता। मेरा आदमी दवा का काम करता है। दवा का काम करता है, घर में बच्चे भी होंगे? 2 बच्चे हैं। कैसे पढ़ाई वढ़ाई कैसे करती है? पढ़ाई नहीं हो रहा, बंद है अभी, बंद है। लेकिन जब चालू थी तो कैसे मेंटेन होता था? ऐसा क्या लग रहा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए? हम मियां बीवी दोनों कमा रहे थे। लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो आप स्थिति देख रही हैं। ये भी सही कह रही हो आप। आपकी क्या राय है, लगे या ना लगे? लग जाए। लग जाए। खर्चा कैसे मेंटेन करेंगे फिर मैडम? घर में चलेगा, घर के काम करेंगे। मैं ये खाने की दुख पड़ जाएगी, दिक्कत होगी खाने की। कितनी कमाई हो जाती है? मेरे जान लो 10,000 आ जाता है। 10,000 में पूरा घर का खर्चा तैयार? किराया भी देते हैं मैं। किराए पे रहती हैं आप? फेस्त्री जा रहे हैं जी। सब्जी है इतनी सारी लेके? हाँ। कितने में पड़ी आपको ये? पड़ी है मतलब जो 1,000 रुपए करीब। और बेचेंगे कितने में? हाँ बेचेंगे, जहाँ रेट मतलब बाजार मांगे वो रेट बेचनी पड़ेगी। बाजार वाले रेट या अपने रेट? नहीं वो तो गोभी कितने देंगे? गोभी 20 से चालू करेंगे। 20 से चालू करेंगे? जाएगी कहाँ तक? 10 मतलब लास्ट 10 रुपए किलो। अगर नहीं बिकी तो 10 रुपए में देंगे? हाँ। बिक गई तो 20 में देंगे? बिक गई तो 20 में चलाएंगे, नहीं चलाई 15 चलाएंगे, 10 चलाएंगे। अच्छा, कस्टमर आके झिकझिक करेगा तो 10 में दे देंगे? और क्या, और कस्टमर झिकझिक ना करे तो उसको लूट लेंगे? नहीं लूट लेंगे काहे को, मतलब वो तो बाजार के ऊपर है कि कैसा सामान चलता है ना। दादी सामान लेके आ रही है? नहीं भैया, सामान लेके नहीं आई। बेचने जा रही है? नहीं बेचने नहीं जा रहे, लेना वो करवे आई मैं तो प्याज स्टार्ट हुई, छांटने का काम कर रही है। हाँ। कितना पैसा मिल जाता है? कसी भैया पैसा ना मिल रहा? नहीं मिल रहा है, कैसे खर्चा चला रही है? तो फिर क्या करें मैं ना, क्या करें हमारे घर कछु तो आएगी नहीं भैया, क्या करें? सुबह से आती है शाम तक रहती है? सुबह तक आए कुछ नहीं मिलो सही मिला ली। ये जितनी गंदगी पड़ी है ऐसी रहती है दादी? रोज आती है आप यहाँ? हाँ रोज आते हैं। ये गंदगी जिस हिसाब से बढ़ते जा रही है उसी के हिसाब से रफ्तार में जो है कोरोना का जो बीमारी है वो बीमारी दिनों दिन और बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जब तक गंदगी नहीं खत्म होगा बीमारी नहीं खत्म होने वाले। ये तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जो सब्जी के ठेले लगाते हैं आगे आगे दुकान लगाते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है ना। लेकिन
उसमें जिम्मेदारी किस लिए होती है? क्योंकि वो खुद पैसे लेके जो मंडी समाती वाले हैं वो पैसे खुद लेके जाते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं होता है और कोई यहाँ कोई जोर जलो नहीं। यहाँ पे कोई ठेकेदार तो होगा जो मंडी के पूरा देख दिखाव करता है। जो ठेकेदार है खुद पैसे लेके खा लेते हैं, उनको क्या बोलने का है? बोलना गैर बोलना सब बराबर है उनके लिए। महंगाई इतनी हो गई है, प्याज क्या रेट है? प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। 50 में कौन सा है, 60 में कौन सा है? 50 60 में ये वाला, 50 में ये वाला। ये वाला 60 में, 50 में? 60 में। ये 60 में, ये 50 में। ये 50 में जी, ये 50 रुपए किलो है। ये 50 रुपए किलो है और ये 60 रुपए किलो है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है, छाड़ने में वो छोटी बगी का फर्क है, छोटे बड़े का फर्क है बस। रुला रही है प्याज है? आजकल रुला रही है प्याज, दाम तो आसमान चढ़े हुए हैं। क्या कर सकते हैं मैडम जी, जो ऐसे आएगा ऐसे बेचेंगे। कितनी बिक्री हुई है सुबह से? जो भी हो गए कुछ पता नहीं है। कितने ग्राहक अभी तक आए होंगे? नंबर में लेके जाते हैं कि खुले में लेके जाते हैं? खुले में भी लेके जाते हैं, नंबर में भी लेके जाते हैं। सस्ता कौन सा पड़ता है, नंबर वाला या खुले वाला? अब जैसे ले जाएंगे वैसे ही मिलेंगे मैडम जी। एक नंबर आलू, एक नंबर प्याज लेके जाना है वो सस्ता पड़ेगा कि एक किलो प्याज सस्ती पड़ेगी? नंबर वाला सस्ता पड़ेगा, नंबर वाला सस्ता पड़ेगा। यहाँ से जो आपसे खरीद के लेके जाते हैं बाहर 80-80 रुपए किलो में बेचते हैं? बेचते होंगे, पता नहीं क्या भाव बेचते हैं। अब यहाँ से हम लोग को देना पड़ेगा, क्या करें? यहाँ से आप उतने दाम में देते हैं 50 और 60 में जी। एक तरफ कोरोना, एक तरफ महंगाई, बीच में जनता की नौ डगमगाई। महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ पूछने को नहीं। कोरोना महामारी चरम पर है, उसका कोई जवाब नहीं। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे। उन्हें लग रहा है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कमाई ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर कमाई नहीं होगी तो वो भूखों मर जाएंगे। अगर वो दोबारा लॉकडाउन को लेके लोगों की यही राय है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन लगना चाहिए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। अभी वैक्सीन नहीं आई है, कोई दवाई नहीं आई है, तब तक जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ नेहा परिहार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।